सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीएल करियर एकेडमी में। चलिए आज हम 46वें दिन का सुपर फास्ट रिविजन करेंगे इतिहास में भारत के गवर्नर जनरल। चलिए आज का पहला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? तो बंगाल से दासों के निर्यात को रोका गया 1789। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सही जवाब बी। अगला प्रश्न देखें, आप लोग अपने आंसर जरूर कमेंट करिए, आप लोग कितना कर पाते हैं। कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को, तो सी विलियम बैटिक ने किया था। इसका उत्तर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, कुशासन के आरोप में मैसूर को अपने में मिलाया। चलिए अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय कब संपन्न हुआ? अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ लॉर्ड एलनबरो के समय। उत्तर हो जाएगा ए। ठगों के दमन में कौन संबंध है? ठगों के दमन से है ना, तो ठगों के दमन से कैप्टन स्लीमैन है ना ने दमन करवाया इसको। सिंध पर ब्रिटिश कब्जा कब हुआ? 1843 में हुआ, ये इसका सही जवाब होगा 1843 में। आप लोग अपने स्कोर जरूर कमेंट करिएगा। निम्नलिखित में किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? विलय की नीति, तो ये विलय की नीति बेलेजली थी। इसका उत्तर हो जाएगा ए। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किस रीति से हुआ था? तो किस रीति से हुआ था? कुशासन के कारण, डी सही जवाब होगा। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध विलय हुआ 1856 में, डी सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेंजर जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? जेम्स आउटरम। कौन हुआ? जेम्स आउटरम, ए सही जवाब होगा। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में किस एक का शासक हटा दिया गया है ना, अवध का है ना, कुशासन का बहाना लेकर अवध का शासक हटाया गया, नवाब आजिद अली शाह को हटाएगा। अधोलोकित में से कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है? सी अवध का विलय 1856। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित राज्यों का विलय क्रम बताइए। सबसे पहले विलय हुआ सतारा का 48 में, फिर संबलपुर का, फिर झांसी का, 3-2-1 सी सही जवाब होगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई? ये बिछाई गई डलहौजी के समय में 1853-54। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? मुंबई से थाड़े, बी सही जवाब। भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई? 1853 में 16 अप्रैल को। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा आरंभ की? किस कंपनी में सबसे पहले भारत में रेल यात्रा आरंभ की थी है ना, ये किया था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। इसका उत्तर हो जाएगा बी। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ अब किसके समय में हुआ? डलहौजी के समय में, इसके बाद विस्तार नहीं हुआ, अंतिम विस्तार डलहौजी के समय में हुआ ब्रिटिश भारतीय राज्य का। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय में बनाया गया? तो विधवा पुनर्विवाह 1856 में बनाया गया था और एक कैनिंग का समय होगा, बी सही जवाब। पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट 1845-55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे, कौन था इसके समय? डलहौजी। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़ा था? तो पढ़ा था कैनिंग ने, इलाहाबाद में कैनिंग ने पढ़ा था। इलाहाबाद में ही कैनिंग ने 1857 की क्रांति में आपातकालीन जो है राजधानी बनाई थी। तो इस तरीके से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।